और ये राज ठाकरे की अब ये जो मिलना है इसके बहुत बड़े संकेत हैं। अंदर अंदर पूरी आक्रोश चल रहा है, देश जो सरकार है महाराष्ट्र की इसके प्रति बहुत लोगों में आक्रोश है, पूरा गुस्सा है। राज ठाकरे बहाना तो करके गए हैं बढ़े हुए बिजली के बिलों का, कि बिजली का बिल बढ़ गया है, जो कई सारे मंत्री ऐसे हैं शिवसेना के और महाराष्ट्र सरकार में जो बिजली का बिल ही नहीं दे रहे हैं। तो इसकी शिकायत अगर वो कर रहे हैं, वो राज ठाकरे का एक बहाना है, ये मिलने के लिए गए। अंदर की बात जो मेरे पास वहाँ तक आई है वो ये है कि शिवसैनिकों ने ही इनको कहा है, राज ठाकरे को, कि आप आगे बढ़िए और अब आपके भरोसे हम आना चाहते हैं, जो असली शिवसेना है और असली अपना जो रूप है हमारा उसमें, और वो छवि हम आपके अंदर देखते हैं कि शिवसैनिकों के अंदर भी अंदर अंदर विद्रोह है, कि ये जो हमारे उद्धव ठाकरे हैं जो प्रमुख बन गए थे, भाई ये तो कुछ कर ही नहीं रहे ऐसा जैसा बाला साहब चाहते थे, ना हिंदुत्व है, ना राष्ट्रत्व है, ना ये शिवसैनिकों वाली बात है, कहाँ गए शिव सैनिक? उन्होंने नाम रखा था और अपना निशान रूप में हथियार चुना था वो त्रिशूल, जिसको माथे से चुचकार के लगाते थे वो, और आज वो शंकर जी वाली सारी बात छोड़ दी, भूल गए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम बात करते हैं महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे की। राज ठाकरे वो नेता हैं जो बाला साहब ठाकरे के जो है भतीजे हैं और उद्धव ठाकरे के जो चचेरे भाई हैं, और राज ठाकरे ने उन्हीं को जो है वो राजनीतिक जो दाव पेच है उन्होंने सिखाया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने अलग पार्टी बनाई, क्या पता ये बीच में जो है ये परिवारवाद आ गया और उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है नव निर्माण सेना, महाराष्ट्र नव निर्माण सेना। आज उन्होंने भी जो है उद्धव ठाकरे के सरकार के अगेंस्ट जो है ये मोर्चा खोल दिया है, और वो सीधा क्योंकि उद्धव ठाकरे की सरकार में सुनवाई तो हो नहीं रही, लेकिन वो कहाँ गए? माननीय राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास गए और वहाँ आपने कंप्लेंट दर्ज करवाई कि महाराष्ट्र में इतनी सारी विसंगतियाँ हैं, बिजली के बिल 5-5 गुना आ रहे हैं, महाराष्ट्र में COVID-19 का इतना बड़ा प्रकोप है और किसानों का जो है बहुत दिक्कतें आ रही हैं, पैसा नहीं है, दूध के दाम बढ़ गए हैं, किसानों की अब माली हालत है, तो उस पर कुछ काम करिए। तो उन्होंने वहाँ शिकायत दर्ज करवाई। अब ये लगा सकते हैं कि एक राज्यपाल पहली बार हो रहा है कि जो विपक्षी दल जो है राज्यपाल के पास सीधे जा रहे हैं, जबकि होता क्या था कि संबंधित विभाग के जो है मंत्री के पास जाया जाता था, लेकिन ये लगा लीजिए कि उद्धव ठाकरे की जो है सरकार जो है खिचड़ी सरकार है और वो समझ नहीं पा रही है, वहाँ किसी की सुनवाई हो नहीं रही है। तो हम जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र राजनीति के मामलों के जानकार, और उन्होंने जो है ये पवन त्यागी जी वो शख्स हैं जिन्होंने जो है ये खिचड़ी सरकार पर जो है एक अपना विशेष अध्ययन कर रखा है कि क्यों इस तरह से जो है पहली बार जो भारत में ये हो रहा है कि एक चुनी हुई सरकार का कहीं पता ही नहीं लग रहा है और वो कहीं सुनवाई हो रही है, और विपक्षी दल जो है सीधे राज्यपाल के पास जा रहा, पहली बार हो रहे, तो इनका अपना एक विशेष अध्ययन है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आप बताइए सर, किस तरह से जो है वो जो राज ठाकरे को आज राज्यपाल के पास जाना पड़ा, ऐसी नौबत क्यों आई, क्यों नहीं उस संबंधित विभाग के मंत्री और संबंधित अधिकारी उनकी सुनवाई कर रहे हैं, तो इसका क्या किस तरह से लेते हैं आप? देखिए, ये आपने देखा होगा कि जिस समय शिवसेना में प्रतिनिधि चुनना था बाला साहब ठाकरे का, उस समय शिवसैनिकों की तरफ से एक आवाज़ आई थी कि जो बाला साहब ठाकरे की छवि भतीजा होने के बावजूद भी यदि किसी में दिखती है और कोई सख्त है अपने हिंदुत्व के प्रति, तो वो राज ठाकरे है। और उस समय राज ठाकरे को सर्वसम्मति से ये बात आई थी शिवसैनिकों की तरफ से कि बाला साहब ठाकरे की जगह उसका प्रमुख बनाया जाए, लेकिन जैसा आपने कहा कि परिवारवाद ज़्यादा हावी हो गया और बाला साहब ठाकरे को परिवार वालों ने ही घेर लिया, और अंदर में क्या बातें हुई होंगी, जैसे एक परिवार में होती है कि मैं तो चला जाऊंगा या तो मैं मर जाऊंगा, क्या कहा होगा। लेकिन राज ठाकरे जो डिजर्व नहीं करते, जिनकी भाषा ऐसी नहीं है, वो मतलब कैसी भाषा बोलते हैं, वो शिवसैनिकों की भाषा नहीं बोलते हैं, और आज पता लग रहा है जब से वो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं कि उसके बाद तो वो जैसा कहते थे ना शेर, तो भाई शेर की औलाद तो शेर ही होती है, लेकिन उनका बयान, उनका कर्तव्य कर्म जैसा वो कर रहे हैं, वो शेर वाले तो नहीं है कम से कम, क्योंकि जब से वो सत्ता में आए हैं वो कांग्रेस की सपोर्ट क्या ले ली, वो तो कांग्रेस ही हो गए, सोनिया मैडम के पैर छू रहे हैं, जिसके लिए बाला साहब ठाकरे कहते थे कि मैं कभी भी इसका कांग्रेसीकरण नहीं होने दूंगा, आज वहां साधुओं की हत्या हो रही है और उस पर वो कुछ नहीं करते। आज आप देखिए कि फ्रांस के अंदर कोई इस्लामिक आतंकवाद की चर्चा होती है और मुंबई की सड़कों पर वहां के राष्ट्रपति की फोटोएं चिपका दी जाती हैं, ये सरकार मौन रहती है,
इसका मतलब ये है कि जो आतंकवादी संगठन हैं उनके बारे में अब ये सरकार कुछ नहीं करेगी, क्योंकि कांग्रेस ये चाहती है कि ये कट्टरवादी लोग, ये रेडिकल इस्लामिक जो लोग हैं, ये इस देश में भी पनपें। क्योंकि कांग्रेस ने भोपाल में जो MLA ने इसका प्रतिनिधित्व किया, इससे बता दिया है कि कांग्रेस के इरादे क्या हैं, और हमने पहले भी देखा। तो इसलिए अब ये मिलना राज ठाकरे का, ये ऐसी कंडीशन में मुझे जो समझ में आती है कि शिव सैनिकों के अंदर भी अंदर अंदर विद्रोह है कि ये जो हमारे उद्धव ठाकरे हैं जो प्रमुख बन गए थे, भाई ये तो कुछ कर ही नहीं रहे ऐसा जैसा बाला साहब चाहते थे। ना हिंदुत्व है, ना राष्ट्रत्व है, ना ये शिव सैनिका वाली बात है। कहाँ गए शिव सैनिक? उन्होंने नाम रखा था और अपना निशान रूप में हथियार चुना था वो त्रिशूल, जिसको माथे से चुचकार के लगाते थे वो, और आज वो शंकर जी वाली सारी बात छोड़ दी, भूल गए। और इसलिए अंदर मैं इस बात में कंफर्म हूं कि शिव सैनिकों में अंदर अंदर आक्रोश है। उन्होंने ही राज ठाकरे को कहा है कि आप आगे बढ़िए, अब हम उद्धव की प्रतिनिधित्व में अब आगे और ज़्यादा नहीं चल सकते, क्योंकि पूरे देश में शिव सैनिक की किरकिरी हो रही है, शिवसेना की किरकिरी हो रही है। और ऐसे में बाकी जितने शिवसेना के सदस्य हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाला साहब ठाकरे के टाइम से जुड़े हुए हैं, वो लोग दुखी हो रहे हैं आज कि ये क्या हो गया इस शिवसेना का, सैनिकों को पीट रहे हैं, ये संतों की हत्याएं हो रही हैं, और इस देश में, इस प्रदेश में कुछ नहीं हो रहा है, ये ड्रग माफियाओं का राज हो रहा है बॉलीवुड में, अब खुलासा हो रहा है और ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो ये पूरी बदनामी महसूस कर रहे हैं शिवसेना वाले। राज ठाकरे बहाना तो करके गए हैं बढ़े हुए बिजली के बिलों का, कि बिजली का बिल बढ़ गया है, जो कई सारे मंत्री ऐसे हैं शिवसेना के और महाराष्ट्र सरकार में जो बिजली का बिल ही नहीं दे रहे हैं। तो वो बिजली का बिल नहीं दे रहे, आप समझिए कि वो बिजली का बिल कौन देगा, किसकी जेब से जाता है? टैक्स पेयर की जेब से जाता है। तो इसकी शिकायत अगर वो कर रहे हैं, वो राज ठाकरे का एक बहाना है। ये मिलने के लिए गए, अंदर की बात जो मेरे पास वहाँ तक आई है वो ये है कि शिव सैनिकों ने ही इनको कहा है, राज ठाकरे को, कि आप आगे बढ़िए और अब आपके भरोसे हम आना चाहते हैं, जो असली शिवसेना है और असली अपना जो रूप है हमारा उसमें, और वो छवि हम आपके अंदर देखते हैं, इसलिए कुछ ना कुछ आप करिए, और ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरा, जहां आपने कहा कि देखिए राज्यपाल से सीधा मिलना और राज्यपाल से शिकायत करने का क्या बनता है, लेकिन वो राज्यपाल उसमें कर भी क्या सकते हैं कि भाई आप बिजली का बिल क्यों बढ़ाया हुआ है, राज्यपाल उसमें हस्तक्षेप कर ही नहीं सकते, वो तो मुख्यमंत्री का फैसला है या बिजली मंत्री का फैसला है, तो ये तो करना बिजली मंत्री को है या मुख्यमंत्री को है। राज्यपाल से बिल के लिए आएंगे क्या? ये राज्यपाल से मिलने इसलिए नहीं आए, ये डिस्कस करने आए हैं कि सरकार हटेगी, अब हम गिराएंगे, शिवसेना वाले टूट के आएंगे, फिर मैं आगे आने वाला हूं, तो भाई मेरे को आप ऐसा ऐसा सपोर्ट कर देना, शपथ वपथ दिलाने की तैयारी पूरी, हिसाब किताब गणित ये सब बैठ के बातें हुई होंगी। ये राजनीति में बाकी लोगों को बरगलाने के लिए, बहकाने के लिए है कि हम तो बिलों को लेकर गए थे, बिल का डिसीजन तो मुख्यमंत्री को करना है। एक पत्रकार ने सवाल भी किया था उनसे कि आपको बिजली के दाम अगर कम कराने हैं, ये राज्यपाल थोड़ी करेंगे, ये हस्तक्षेप कर ही नहीं सकते, ये तो मुख्यमंत्री के पास जाते। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, जब समय आएगा तो मैं मिलने भी जाऊँगा। वो समय कब आएगा? बिजली का बिल कम करवाने थोड़ी आए, उस समय अभी तो है, मिलने जाते, लेकिन उनको नहीं जाना है, उनके पास नहीं जाएंगे, क्योंकि राज ठाकरे भी जानते हैं कि उद्धव ठाकरे तो कठपुतली है, उनकी चलती ही नहीं है, चलती तो यहाँ पवार की है, शरद पवार की चलती है या सोनिया मैडम की चलती है, दो के पास पावर है, ये तो कठपुतली है, स्टाम्प है रबड़, जैसे हमने देखा कांग्रेस के टाइम में केंद्र में कि वो सोनिया गांधी सारे फैसले लेती थी, राहुल गांधी फैसले को फाड़ भी दे सकता था, और मनमोहन सिंह केवल जेब में हाथ दे के खड़े रहते थे, लोग कहते थे रबर स्टैंप है। ऐसे ही ये महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे रबर स्टैंप है, इनके हाथ में कुछ नहीं है। और ये राज ठाकरे की अब ये जो मिलना है, इसके बहुत बड़े संकेत हैं, अंदर अंदर पूरी आक्रोश चल रहा है, देश जो सरकार है महाराष्ट्र की, इसके प्रति बहुत लोगों में आक्रोश है, पूरा गुस्सा है। कोविड के टाइम में ये फेल हो चुके हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहे, किसानों के मुद्दे पर कोई बात नहीं हो रही, बहुत सारे किसानों ने वहाँ आत्महत्या करी है, जनता त्राही त्राही कर रही है। और इसलिए अब जनता ने ही राज ठाकरे को कहा है कि राज ठाकरे जी आप आगे आइए, ये वाला जो शिव सैनिक हमने सोचा था ये तो नहीं निकला ऐसा।
तो इसमें जो है बहुत बड़ा एक संकेत छुपा हुआ है। आने वाले समय में हमें लगता है अगले कुछ ही दिनों में आपको ये देखने को मिल सकता है कि शिवसेना के दो टुकड़े हो गए और एक बड़ा धड़ा राज ठाकरे के साथ आकर, और वो बीजेपी क्योंकि वहाँ पर दूसरी बड़ी पार्टी है और बीजेपी के साथ मिलकर के ये वहाँ नई सरकार का गठन हो सकता है। अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा ये तो पक्का है, लेकिन ये क्यों इतना दिन जा रहे हैं, कोई ना कोई दिन इनका चल रहा है, क्योंकि आप देखिए ना अभी प्रज्ञा ठाकुर का खुलासा हुआ है। प्रज्ञा ठाकुर इस देश की साध्वी, उसके साथ अत्याचार किए गए, जिसने अत्याचार किए इन्होंने वो कमिश्नर बना के बिठाया हुआ है, और साजिश क्या थी, हिंदुओं को आतंकवादी बताकर इस देश को बदनाम करने की साजिश। इसका मतलब तो शिवसेना के माथे अब ये एक और कलंक लगा है कि आप हिंदुओं की पार्टी बनते हो, ये तो हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश किसी ने, कांग्रेसियों ने की, तो आपने उसको, ये आपने नहीं, उद्धव ने नहीं बनाया, मैंने जैसे कहा, ये सोनिया गांधी के इशारे पर ही परमवीर सिंह को कमिश्नर बना के बिठाया है ताकि वो कांग्रेस का एजेंडा पूरा चलाया जा सके, और चल रहा है। तो उद्धव ठाकरे जी स्टैंप बन गए हैं, और इसलिए ये बहुत सारे मुद्दों को लेकर शिवसेना की बदनामी हो रही है। इस समय सरकार का गिरना बहुत जरूरी है, और अब यह आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा त्यागी जी, आपका बहुत ज़्यादा सटीक विश्लेषण होता है, और आपके आपके पास ज़्यादातर अंदर की खबरें होती हैं जो सटीक होती हैं। और सही कहा आपने कि अब राज ठाकरे में ही जो है बाला साहब ठाकरे की छवि देख रहे हैं वहाँ के लोग, और शिवसेना का प्रमुख मानते हैं। और अब भी हो सकता है जैसे आपने बताया कि अंदर खाने ये सब चल रहा है इसीलिए, क्योंकि वो आक्रोशित हैं, राज ठाकरे वो नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि अधिकतर जो मंत्रालय हैं, जो जो सामाजिक सरोकारों के जो शिकायतें हैं, वो मंत्रालय जो है कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के पास है, और उनसे जो है वो बात करना नहीं चाहते, क्योंकि उनमें एक प्रकार से जो है कट्टर हिंदुत्व की भावना भरी हुई है। और एक अपने चाचा राज ठाकरे की जो छवि है उसके अंदर में, इसलिए उनका अपना स्वाभिमान है, वो नहीं जाएंगे इस तरह की खिचड़ी वाली सरकार में। आपका बहुत अच्छा सटीक अध्ययन है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।